हेलो गाइस, मैं हूं रोहित और इम्पैक्ट हिंदी इन्फो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इम्पैक्ट प्लस नो सरेंडर की हाइलाइट्स के बारे में। तो गाइस, क्या कुछ हमें देखने को मिला नो सरेंडर मेन इवेंट में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो गाइस, बात कर लेते हैं पहले मैच की, जो कि हमें देखने को मिला ट्रिपल एक्स एंड डैनियल डैशवुड वर्सेस टीम डीके के बीच में। तो गाइस, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि इस मैच को टीम रोजमेरी यानी कि द डीके टीम जीत जाएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। यहां पे डीके टीम जीत चुकी है इस मैच को। और गाइस, इसके बाद बात कर लें नेक्स्ट मैच की, जो कि हमें देखने को मिला हर्नांडिस एंड ब्रायन मायर्स वर्सेस एडी एडवर्ड्स एंड मैट कार्डोना के बीच में एक टैग टीम मैच। तो गाइस, यहां पे मैट कार्डोना हार चुके हैं और टीम ब्रायन मायर्स एंड हर्नांडिस इस मैच को जीत चुके हैं। और गाइस, इसके बाद बात कर ली जाए नेक्स्ट मैच की, जो कि हमें देखने को मिला डिनर वर्सेस जेक समथिंग के बीच में। और गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे डिनर के साथ जो है वायलेंट बाय डिजाइन यानी कि एरिक यंग टीम थी, और गाइस यहाँ पे जेक समथिंग इस मैच को जीत चुके हैं क्योंकि इनके द्वारा अटैक किया गया और बाय डिस्क्वालिफिकेशन से इस मैच को जेक समथिंग जीत चुके हैं। और गाइस, इसके बाद बात कर ली जाए नेक्स्ट मैच की, जो कि नंबर वन कंटेंडरशिप फॉर एक्स डिवीजन टाइटल के लिए ट्रिपल थ्रेट रिवॉल्वर मैच था 8 रेसलर्स के बीच में। तो गाइस, इस मैच को आखिर में जॉस अलेक्जेंडर जीत जाते हैं। और गाइस, इसके बाद बात कर ली जाए नेक्स्ट मैच की, नॉकआउट टैग टीम टाइटल्स के लिए जो मैच था फायर एंड फ्लेवर वर्सेस हैवक एंड नेविया के बीच में। तो गाइस, यहां पे फायर एंड फ्लेवर ने रिटेन किए अपने टैग टीम टाइटल्स। और गाइस, इसके बाद बात कर ली जाए नेक्स्ट मैच की, जो कि एक्स डिवीजन चैंपियनशिप के लिए रोहित राजू वर्सेस एक्स डिवीजन चैंपियन टीजेपी के बीच में था। तो गाइस, यहां पे रोहित राजू के फैंस को थोड़ा दुख जरूर हुआ होगा क्योंकि यहां पे टीजेपी ने रिटेन किया अपना एक्स डिवीजन का टाइटल। और गाइस, इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला टीम डियोना परवाजो वर्सेस टीम जॉर्डन ग्रेस के बीच में। तो गाइस, इस मैच को जीत चुकी हैं टीम जॉर्डन ग्रेस यानी कि जॉर्डन ग्रेस जज एंड ओडीपी। और गाइस, इसके बाद बात कर ली जाए कि नेक्स्ट मैच हमें कौन सा देखने को मिला। तो गाइस, इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि था टीम सेबिन एंड स्टॉर्म वर्सेस द गुड ब्रदर्स वर्सेस प्राइवेट पार्टी के बीच में। तो गाइस, यहां पे काफी सारी कोशिश की गई टीम स्टॉर्म और टीम प्राइवेट पार्टी की ओर से, लेकिन अंत में इस मैच को बाय पिनफॉल जीत चुके हैं द गुड ब्रदर्स और उन्होंने रिटेन किए अपने टैग टीम टाइटल्स। और गाइस, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मैच के ऊपर, जो कि हमें देखने को मिला इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रिच स्वान वर्सेस टॉमी ड्रीमर के बीच में। तो गाइस, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि इस मैच को रिच स्वान जीत जाएंगे, और वैसा ही हुआ, रिच स्वान इस मैच को जीत गए और अंत में ये दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन उधर से मूस की ओर से हमला किया गया इन दोनों के ऊपर। और कुछ इसी तरह से आज के इम्पैक्ट प्लस नो सरेंडर मेन इवेंट का अंत होता है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप प्रो रेसलिंग या फिर टीएनए इंपैक्ट रेसलिंग के फैंस हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके यहाँ पे आपको टीएनए इंपैक्ट रेसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट हिंदी न्यूज़ और अपडेट्स मिलते रहेंगे, और कुछ और कंपनीज के बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत बातें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करना चाहते हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।